टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 को बेहद ही रोमांचक अंदाज में अपने नाम किया था। फाइनल में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को मात दी थी। हालांकि अब इस टूर्नामेंट के खत्म होने के करीब 2 महीने बाद ICC ने इसमें इस्तेमाल हुई पिच की रेटिंग जारी की है। ICC ने कुल 6 पिच की रेटिंग जारी की है, जिसमें से 2 पिच को उसने अच्छा बताया है और भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल जिस पिच पर खेला गया था उसे उसने बेहद अच्छा बताया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ICC ने 3 मैचों की पिचों पर नाखुशी जताई है। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच 3 जून को जो हुआ मुकाबला हुआ था उसमें इस्तेमाल पिच को ICC ने असंतोषजनक करार दिया है। इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम सिर्फ 77 रनों पर ढेर हो गई थी। इसके बाद 5 जून को आयरलैंड और भारत के बीच जो मुकाबला हुआ उस पिच को भी ICC ने असंतोषजनक बताया है। यहां आयरलैंड की टीम सिर्फ 97 रन पर ढेर हो गई थी। और बड़ी बात यह है कि बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा को भी इसी पिच पर चोट लगी थी। ये दोनों ही मुकाबले न्यूयॉर्क के नेसो काउंटी में हुए थे। हालांकि ICC ने भारत पाकिस्तान के मैच में इस्तेमाल हुई पिच को सही करार दिया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में इस्तेमाल हुई पिच पर भी ICC ने नाखुशी जताई है। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच जो मैच हुआ था जिसे नॉकआउट मैच कहा गया था, दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों को काफ़ी दिक्कत हुई थी। अफगानी टीम तो पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ 56 रन पर यहाँ ढेर भी हो गई थी। साउथ अफ्रीका ने लक्ष्य को 1 ही विकेट खोकर हासिल कर लिया था, लेकिन उसके बल्लेबाजों को भी शॉट्स खेलने में काफ़ी दिक्कत आई थी। यही वजह है कि त्रिनिदाद और टोबैगो में खेले गए इस मुकाबले की पिच को ICC ने असंतोषजनक करार दिया है। साफ है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 को आधा अमेरिका और आधा वेस्टइंडीज में आयोजित किया गया था। अमेरिका में जो भी मैच हुए उन्हें फैंस ने वैसे ही नीरस बताया था और वहां ICC को घाटा भी हुआ था। यही वजह है कि अब जब पिच की रेटिंग भी सामने आई है तब अमेरिका की पिचों की सारी पोल खुल गई है, क्योंकि अमेरिका में वैसे भी असली नहीं बल्कि ड्रॉप इन पिचों का इस्तेमाल हुआ था। खैर, हुआ जो भी था, लेकिन भारतीय फैंस तो यही याद रखेंगे कि भारत ने इस T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया था। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।